हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का छठी कक्षा की हिंदी की क्लास में। पिछले सेशन में हमने हिंदी के पाठ 6 मीनाक्षी मंदिर की चर्चा की थी। आज हम इसके अभ्यास की चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला दिया है पाठ ज्ञान। प्रश्न 1, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक, उसमें पहला क, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताओ बच्चों, कहाँ स्थित है मीनाक्षी मंदिर? तो यह तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर में स्थित है। तो क्या हुआ उत्तर? मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर में स्थित है। फिर प्रश्न ख, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो इसका उत्तर क्या आएगा? मीनाक्षी मंदिर का निर्माण लगभग 3500 वर्ष पहले हुआ था। उसके बाद दिया है ग, मंदिर के बीचों बीच किसकी मूर्ति स्थापित की गई है? तो क्या बच्चों आप जानते हैं किसकी मूर्ति है? तो मंदिर के बीचों बीच भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की गई है। फिर प्रश्न ग, मीनाक्षी मंदिर किस भगवान को समर्पित है? मीनाक्षी मंदिर किस भगवान को समर्पित है, ये पाठ चर्चा में शुरुआत में ही मैंने कहा था। तो मीनाक्षी मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। अब इसके बाद आता है लिखित, उसमें प्रश्न क, मीनाक्षी मंदिर और किस नाम से प्रसिद्ध है? मीनाक्षी मंदिर सुंदरेश्वर या मीनाक्षी अम्मा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अब उसके बाद दिया है प्रश्न ख, मीनाक्षी मंदिर में शिव और पार्वती को किस रूप में पूजा जाता है? तो मीनाक्षी मंदिर में शिव और पार्वती को सुंदरेश्वर और मीनाक्षी अम्मा के रूप में पूजा जाता है। उसके बाद दिया है प्रश्न ग, मीनाक्षी मंदिर के खंभों की क्या विशेषता है? मीनाक्षी मंदिर के खंभों की यह विशेषता है कि प्रत्येक खंभे पर थाप देने पर अलग अलग स्वर निकलते हैं। ये अपनी पच्चीकारी में भी अनोखे हैं। उसके बाद दिया है प्रश्न घ, तिरुकल्याणम कब मनाया जाता है? उसका उत्तर है तिरुकल्याणम त्योहार अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। उसके बाद अंग, प्रश्न अंग, मीनाक्षी मंदिर की विशेषताएं कौन कौन सी है? तो मीनाक्षी मंदिर की तो बहुत सी विशेषता है, जैसे कि इस मंदिर की बनावट देखते ही बनती है। इस मंदिर की छत 8 खंभों पर टिकी है और प्रत्येक खंभे पर अष्ट लक्ष्मियों की मूर्तियां बनी हुई है। यह शानदार भवन अपनी नक्काशी और चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 985 खंभे हैं जो अपनी पच्चीकारी के लिए अनोखे हैं। तो ऐसी बहुत सी विशेषताएं ये मीनाक्षी मंदिर में हैं। इसके बाद प्रश्न 2 दिया है, हाँ या नहीं में उत्तर दो। तो इसमें प्रश्न क, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो बच्चों बताओ, क्या ये इसमें हाँ लिखेंगे या नहीं, सही है या गलत? तो ये गलत है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं। कब हुआ था ये मंदिर का निर्माण? 3500 वर्ष पूर्व, इसलिए नहीं। फिर प्रश्न ख, मीनाक्षी मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। तो बच्चों बताओ, ये सही है या गलत, हाँ या हाँ लिखेंगे या नहीं? तो इसमें लिखेंगे हाँ। फिर प्रश्न ग, मीनाक्षी मंदिर में 12 प्रवेश द्वार है, तो इसमें हाँ लिखेंगे या नहीं? हाँ लिखेंगे, मीनाक्षी मंदिर में 12 प्रवेश द्वार है, हाँ। फिर प्रश्न घ, मीनाक्षी मंदिर वैगई नदी के उत्तर में स्थित है,
तो बताओ बच्चों इसमें क्या लिखेंगे, हाँ या नहीं? तो इसमें लिखेंगे नहीं, क्योंकि यह वैगई नदी के उत्तर में नहीं बल्कि दक्षिण में स्थित है। इसके बाद दिया है भाषा ज्ञान, देखो पढ़ो और समझो। तो यहाँ चित्र देखिए, जिसमें ये लंबा आदमी रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा है। तो ये वाक्य पढ़िए फिर से, लंबा आदमी रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा है। तो इस वाक्य में लंबा शब्द आदमी की, मतलब ये लंबा शब्द आदमी के बारे में बता रहा है कि आदमी कैसा है, तो लंबा, और रंग बिरंगे शब्द गुब्बारों के बारे में बता रहे हैं। और ये जो रंग बिरंगे दिया है वो किसके बारे में बता रहे हैं, गुब्बारे के बारे में। तो यहाँ इसकी परिभाषा दी है, जो शब्द संज्ञा तो यहाँ इसकी परिभाषा दी है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ विशेष जानकारी देते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहाँ लंबा और रंग बिरंगे ये दोनों क्या विशेषण हुए, क्योंकि लंबा आदमी के बारे में कुछ विशेष जानकारी देता है और रंग बिरंगा शब्द गुब्बारों के बारे में कुछ विशेष जानकारी दे रहा है, तो इसे विशेषण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए उसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए चित्रों के लिए सही विशेषण चुनकर लिखो। हम लोग विशेषण के बारे में अभी ही समझ चुके हैं कि विशेषण किसको कहते हैं। तो यहाँ हमें नीचे दिए चित्रों के लिए सही विशेषण चुनने हैं, और यहाँ ये सब विकल्प दिए हैं, लाल, खट्टी, काला, सुंदर, मीठे, सफ़ेद। तो ये क्या है, रसगुल्ले। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मीठे। फिर ये है अनार, तो अनार कैसा होता है, लाल, तो यहाँ लिखेंगे लाल। और यहाँ क्या लिखेंगे, सफ़ेद। फिर ये क्या है, इमली। इमली कैसी होती है, खट्टी। फिर ये क्या है, कौवा। कौवा कैसा होता है, तो यहाँ लिखेंगे काला। फिर यहाँ दिया है गुलाब का फूल, तो गुलाब का फूल कैसा लगता है, सुंदर, तो यहाँ लिखेंगे सुंदर। तो यहाँ पहला लिखेंगे मीठे रसगुल्ले, लाल अनार, सफ़ेद हंस। खट्टी इमली, काला कौवा, सुंदर फूल। इसके बाद प्रश्न दो दिया है, विलोम शब्द चुनकर लिखो। राक्षस, मृत्यु, नीचा, गांव, अप्रसिद्ध, लघु। शहर के सामने क्या लिखेंगे, गांव, उसका विलोम शब्द होगा गांव। देवता राक्षस, ऊंचा नीचा, जन्म मृत्यु, विशाल लघु, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध। यहाँ प्रश्न 3 दिया है, नीचे दिए शब्दों से वाक्य बनाओ। पहला दिया है निर्माण, तो बच्चों आप अपने से भी वाक्य बनाकर यहाँ लिख सकते हैं। निर्माण, इस मंदिर का निर्माण पिछले वर्ष हुआ था। मूर्ति, रमेश ने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई। त्योहार, हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। पर्व, केरल में ओणम का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ प्रश्न 4 दिया है, नीचे दिए हिंदी शब्दों के अंग्रेजी अर्थ लिखो। अब प्रवेश, इसका अंग्रेजी अर्थ होगा एंट्रेंस, ENTRANCE। विशाल, विशाल का होगा ह्यूज, HUGE। पुराण,
पुराण का, जो कि आपको पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है, माइथोलॉजी, MYTHOLOGY। फिर द्वार, द्वार तो आपको पता ही होगा, द्वार माने दरवाजा, दरवाजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोर। अब ये सोचो और बोलो, ये आपको थिंकिंग एंड स्पीकिंग स्किल है, इसलिए अपने से ही करनी होती है हर पाठ में। अपने किसी पसंदीदा पर्यटन स्थल के बारे में कक्षा में बताओ, तो हम इसके बारे में निबंध भी लिखेंगे, मेरा प्रवास। यहाँ दिया है खेल खेल में एक्टिविटी, दक्षिण भारत के इन मंदिरों को पहचानो और उनके नाम लिखो। तो ये चारों मंदिर जो दिए हैं, ये चारों मंदिर दक्षिण भारत के हैं। पहला मंदिर है तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, बहुत लोग जाते भी हैं तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर दर्शन के लिए और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए। फिर दिया है कैलाशनाथ मंदिर, ये कैलाशनाथ मंदिर है। उसके बाद ये दिया है बृहदेश्वर मंदिर, फिर इसके बाद जो दिया है वो है श्री रंगनाथन मंदिर। तो यहाँ ये अभ्यास की चर्चा पूरी होती है। आपका गृह कार्य आपको पता ही होगा, आपको क्या करना है, अभ्यास के ये सभी प्रश्नोत्तर अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।